हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर इलेवेंथ साइंस इलेवेंथ का हमने स्टार्ट किया है केमिस्ट्री स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर वन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें इलेवंथ और ट्वेल्थ दोनों जगह पर यूज करने आज का लेक्चर नंबर सिक्स आज के लेक्चर में हमें देखना है एटोमिक मास क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा इसकी थेरी और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स करेंगे सॉल्व करेंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल देखेंगे उसके बाद हम मोलिकुलर मुलिकुल मा, मोलिकुलर मास को देखेंगे तो एटॉमिक मास पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैन यू रिकॉल का आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर सिक्स का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है व्हाट इज एन एटम एंड मोलिक्यूल क्या आपको पता है एटम और मोलिक्यूल क्या होता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ वन एटम वन एटम का मास कितना होता है वॉट आर द आइसोटोप तो ये सारा क्या है आप थोड़ा सा नाइन टेंथ में पढ़ चुके होंगे तो वहाँ से आपको रिकॉल करना है तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है व्हाट इज एटम क्या आपको पता है एटम क्या है एटम क्या होता है इट इज द डाल्टन थेरी देखी हमने क्या होता है स्मॉलेस्ट क्या होता है इंडिविजिबल इंडिविजिबल मतलब जिसका और डिवीज़न नहीं हो सकता स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ये क्या होता है एटम होता है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा एटम होगा जिसका और डिवीजन पॉसिबल नहीं है मोलिक्यूल क्या होते उन्होंने पूछा है व्हाट इज एटम एंड मोलिक्यूल तो मोलिक्यूल्स क्या होते मॉलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स क्या होता है एग्रीगेट ऑफ टू और मोर एटम तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम क्या होंगे एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे एग्रीगेट हो जाएंगे उसे क्या कहोगे उसे हम कहेंगे मोलिक्यूल दो या दो से ज्यादा आटम का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे क्या कहा जाता है मोलिक्यूल ये क्या होंगे लेकिन डेफिनाइट प्रपोर्शन में होंगे इनका डेफिनाइट कंपोजिशन होगा जब केमिकल रिएक्शन होता है जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो ये एक दूसरे से हेल्ड होंगे बाय केमिकल बॉन्ड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है एक कार्बन है दो ऑक्सीजन है इनके बीच में क्या हुआ है केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है और इन तीनों पार्टिकल को उस बॉन्ड ने क्या किया है एक साथ रखा है तो सी ओ टू क्या हो गया मोलिक्यूल कौन से आइटम से बनाए दो या दो से ज़्यादा आइटम से बनाए तो ये क्या हो गया मोलिक्यूल का एग्जाम्पल इसके बीच में बॉन्ड भी प्रेजेंट होते ये बॉन्ड ही क्या करते इन कंपाउंड को एक दूसरे के साथ बांध के रखते तो एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ द डेफिनाइट मास हर ऐटम का क्या होता है डेफिनाइट मास होता है तो मास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर ऐटम का क्या होगा एक डेफिनाइट मास होगा ये जो मास होता है वन आइटम का तो वन ऐटम का मास क्या होगा ये जो मैग्नीट्यूड होती है ये होती है टेन डैश टू माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम ये क्या होगा मास सो एवरी एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज definite मास इन ऑर्डर टू magnitude ऑफ मास वन एटम इज 10 डेज टू माइनस 27 किलोग्राम इतना होगा उन्होंने उसके साथ पूछा है क्या आपको आइसोटोप पता है पता है आइसोटोप? तो हमारा जो फोर्थ चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसमें हमें डिटेल में देखना है लेकिन यहाँ पे समझ लो द एटम ऑफ एन सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर आइसोटोप फॉर एग्जाम्पल कार्बन सिक्स ट्वेल्व कार्बन सिक्स थर्टीन कार्बन सिक्स फोर्टीन तो ये क्या हो गया ये एक दूसरे के क्या है आइसोटोप जिनका एटोमिक नंबर सेम होता है मास नंबर डिफरेंट होता है उनको क्या कहोगे आइसोटोप्स कहोगे तो ये क्वेश्चन थे कैन यू रिकॉल में अभी हमें देखना है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है तो चलो देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट ए एम यू क्या होता है इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है पहले डेफिनेशन देख लो उसके बाद देखेंगे हम कि ऐसा क्यों आ रहा है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इट इज डिफाइन एज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू वन द मास ऑफ वन कार्बन ट्वेल्व एटम एक कार्बन ट्वेल्व ट्वेल्व एटम का वन ट जितना पार्ट होता है वो क्या होता है मास होता है उसे क्या 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 कहा जाता है? है? एटॉमिक मास यूनिट। मतलब क्या होगा? Is equal to, क्या होगा? Small h. यहाँ पे। is equal to, क्या होता है? 12, किसका पार्ट होगा कार्बन 12 का पार्ट होता है वन ए एमयू इज इक्वल टू तो ऐसा क्या है एक स्टैंडर्ड माना गया है इसे भी एक कॉन्फ्रेंस में उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अभी यहाँ पे डेफिनेशन देखो वन ए एम यू कितना होगा मतलब वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ कार्बन ट्वेल्थ एक कार्बन ट्वेल्व का अगर आपने एटम लिया उसका वन ट्वेल्थ जो पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है वन ए एम यू आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम डज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वे तो एटम जो हाइड्रोजन का होता है वो कितना होता है वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम होता है वैसे देखा जाए तो ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर कितना है देखो टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी फोर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है इजी नहीं है इसे मेजर करना ये क्या है एक हाइड्रोजन एटम का क्या है मास है। तो हमें पता है जो एटॉमिक मास होता है हर इलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी एटॉमिक मास और एटॉमिक मास क्या होता है जो मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसमें उसका मास होता है एक्चुअली ये बहुत छोटी क्वांटिटी है अगर हाइड्रोजन को देखोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है इसके एटम की वेट कितना है वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है इसे मेजर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए एक सिस्टम आई थी उस सिस्टम में क्या था ये यूज किया गया था एटॉमिक मास यूनिट जिसे डिफाइन कैसे करोगे एटॉमिक मास यूनिट इज द पार्ट ऑफ कार्बन तो ऐसा क्यों हुआ है ये भी देख लेते हैं हम तो चलो अभी हमें मेजरमेंट देखना है कि एटम के मास का मेजरमेंट कैसे किया जाता है तो इस इसपे क्वेश्चन आता है हाउ इज रिलेटिव एटोमिक मास ऑफ एन एटम मेजर तो कैसे मेजर किया जाएगा तो अभी हमने देखा कि जो सिंगल एटम होता है तो जो सिंगल एटम होगा वो बहुत छोटा है एटम को हम आँखों से देख नहीं सकते स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है तो सिंगल एटम भी क्या होगा एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होगा जैसे अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का मास कितना था वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम अगर देखोगे तो ये क्या है ये बहुत छोटी क्वांटिटी है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वे सिंगल एटम क्या इतने सिंगल छोटे से एटम को हम वे कर सकते पॉसिबल नहीं सो इन प्रेजेंट सिस्टम मास ऑफ एटम इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एटम तो कौन से बेसिस पे रिलेटिव मास रिलेटिव मास मतलब इसका इतना है तो इसका कितना होगा ऐसे तो रिलेटिव मास पे क्या किया जाता है अभी इस सिस्टम पे क्या किया जाता है एटम को मेजर किया जाता है तो so, वहाँ पे एक जो है उसे स्टैंडर्ड माना गया है वो कौन है कार्बन ट्वेल्व तो कार्बन ट्वेल्व को स्टैंडर्ड माना गया है तो ये क्या है स्टैंडर्ड है याद रखना है कार्बन ट्वेल्व इज स्टैंडर्ड टू मेजर द जो वेट होगा आ, आ, किसका एटम का उसके लिए तो ये क्या है एक स्टैंडर्ड इसे माना जाता है तो ये स्टैंडर्ड क्यों माना गया है बिकॉज इट वॉज डिसाइडेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था और उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट में कार्बन टवेल्व को क्या माना गया स्टैंडर्ड माना गया तो जो एटॉमिक मास होता है कार्बन ट्वेल्व का वो कितना होता है तो कार्बन ट्वेल्व का एटॉमिक मास होता है ट्वेल्व पॉइंट इतना होगा ओके okay, इसका फिक्स है होल नंबर आ रहा है इसीलिए इसको पकड़ा है बाकी का क्या आता है फ्रैक्शन में आता है तो कार्बन ट्वेल्व को क्यों लिया क्योंकि कार्बन ट्वेल्व का जो वेट है एटोमिक वेट वो क्या है एक होल नंबर है पॉइंट में नहीं आता है इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया टू मेजर द इसका जो मास है उसे यूज किया जाता है टू मेजर द मास ऑफ ऑर्दर तो यहाँ पे देखो इसका ट्वेल्व है तो वन ट्वेल्व बाय ट्वेल्व करोगे तो एग्जैक्टली exactly कितना आएगा आपका वन ए एम यू तो वन ए एम यू की वैल्यू क्या होती है वन ट्वेल्थ ऑफ क्या है कार्बन ट्वेल्व का मास इसीलिए डेफिनेशन में हमने ऐसे लिखा था तो एक ना, 1961 नाइनटीन सिक्सटी वन के कॉन्फ्रेंस में एग्रीमेंट में कार्बन ट्वेल्व को फिक्स माना गया जिसका एटॉमिक मास कितना था ट्वेल्व ए एम यू इतना था तो जो दूसरे है उसे मेजर करने के लिए इसे यूज किया जाता है तो वन ए एम यू इज इक्वल टू कितना होगा वन ए एम यू इज इक्वल टू वन 12 क्या होता है जो होगा मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व और मास ऑफ कार्बन ट्वेल्व है वन नाइन नाइन टू सिक्स फोर एट ये सारे एक्सपेरिमेंट से मिले हुए वैल्यूज है ट्वेंटी थ्री डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम तो आपको याद रखना है वन ए एम यू इज इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है दिस मच तो ये हमेशा सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आता है तो अभी आपको क्या याद रखना है कार्बन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है ये याद रखना है उसके बाद हाइड्रोजन का ये वेट ये याद रखना है और ये जो है रिलेशन इसे याद रखना है कि वन ए क्या होता है वन ट्वेल्थ ऑफ क्या होता है कार्बन ट्वेल्व का मास कार्बन ट्वेल्व का एक्चुअल मास इतना है वो यहाँ पे पुट किया तो हमें क्या मिला वन ए की वैल्यू क्या होगी वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन डेस्ट टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम और इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास तो अभी AM के जगह पे यूनिफाइड मास यूनिट को क्या किया जाता है यूज किया जाता है तो अभी अगर कभी भी आप अगर सिंबल देखोगे मतलब अगर एटॉमिक मास दिया है आपको हाइड्रोजन का तो ऐसे लिखा होता है वन यू कार्बन का ऐसे लिखा होता है ट्वेल्व यू तो यू यूनिट यूज होता है वो क्या होता है यूनिफाइड मास यूनिट अभी जो अभी के डेज है ए एम यू को रिप्लेस किया गया है बाय द यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट की जगह पे यूनिफाइड मास यूनिट यूज होता है और इट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास तो एक्चुअल में अभी कौन सा मास यूज यूनिट यूज होता है एटॉमिक मास का यू इसे किसने डिराइव किया था इसे डिराइव किया था डाल्टन जो डाल्टन थेरी हमने देखी थी उन्होंने इसे डिराइव किया था इसका सिम्बॉल जो होता है इसका सिंबल होगा कैपिटल यू भी होता है या डाल्टन के नाम से इसे डी ए भी लिखा जाता है डी ए बहुत कम दिखेगा आपको या फिर दिखेगा ही नहीं कहीं पे मोस्टली इसे कौन से सिंबल में दिखाया जाता है यू मतलब आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखोगे जिसे हमें एटॉमिक वेट भी कहते हैं उसे सिंबल क्या होगा स्मॉल यू इसका मीनिंग क्या होगा यूनिफाइड मास यूनिट तो चलो अभी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस इसपे हमेशा क्वेश्चन आते हैं तो हम देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है तो एवरेज एटॉमिक मास की अगर बात करें तो हमें पता है कि जो एलिमेंट होते हैं एटमोस्फियर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जो आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट है कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे उनके दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं एटमोसफियर में तो इन सब के एटोमिक मास का क्या निकाला जाता है एवरेज निकाला जाता है उसे हम क्या कहेंगे एवरेज एटोमिक मास तो डिफाइन कैसे करेंगे इसे देखो द मासेस ऑफ एन एलिमेंट एटोमिकलीमेंट एग्जिस्ट इन मिक्सचर मिक्सचर तो मास क्या होता है mixture. जैसे कार्बन सिक्स कार्बन सिक्स फोर्टीन ऐसे एटमोस्फियर में तीनों भी प्रेजेंट तो तीनों का मिलके परसेंटेज कितना एटमोस्फियर में हंड्रेड तो इसका कुछ परसेंट होगा इसका परसेंट होगा इसका तीनों का मिलके कितना हो जाएगा एटमोस्फियर में कार्बन हंड्रेड परसेंट प्रेजेंट होगा कभी कभी दो आइसोटोप होते हैं कभी कभी दो से ज़्यादा भी आइसोटोप हो सकते हैं तो इनका क्या निकाला जाता है एटॉमिक मास का एवरेज निकाला जाता है फिर इस एवरेज की एडिशन होती मीन निकाला जाता है तो इसीलिए क्या इसीलिए वो पॉइंट में भी आता है कभी कभी इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा एवरेज एटोमिक मास मतलब इसका परसेंटेज निकाला जाएगा इसका कितना एवरेज मास होगा इसका एवरेज मास इसका एवरेज मास तीनों की एडिशन डिवाइड बाय थ्री अगर परसेंट निकालना है तो इनटू टू हंड्रेड किया जाएगा तो ऐसे क्या किया जाता है एवरेज एटॉमिक मास हमें न्यूमेरिकल देखने इसके तब तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको याद रखना है कि आइसोटोप जो होते हैं एटमोस्फियर में दो या दो से ज्यादा आइसोटोप में जब प्रेजेंट होगा एलिमेंट तो उसके एटॉमिक मैसेस का एवरेज निकाला जाता है और उसी को हम क्या कहेंगे एवरेज एटॉमिक मास और पीरियोडिक टेबल में वही एवरेज एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है इसलिए कभी कभी वो पॉइंट में आता है जैसे क्लोरीन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव क्यों थर्टी फाइव पॉइंट फाइव आया क्योंकि वो एवरेज है इसीलिए तो इस अभी क्वेश्चन है कि इसकी नीड क्यों है है क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का एक्सप्लेन द नीड ऑफ टर्म एवरेज एटॉमिक एटॉमिक मास मास एवरेज ये टर्म इंट्रोड्यूस होने की जरूरत क्यों पड़ी ऐसा क्वेश्चन तो कुछ नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट होते हैं इन मिक्सचर ऑफ टू और मोर आइसोमर तो क्या हो सकते हैं टू हो सकते हैं या टू से क्या है ज्यादा भी क्या हो सकते है उनके यहाँ पे आइसोटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं आइसो आइसोटोप्स के फॉर्म में होंगे जैसे कार्बन के कितने है? तीन है। लिथियम के कितने है? तीन है। तो दो भी हो सकते हैं दो से ज्यादा क्या है आइसोटोप के फॉर्म में कुछ एलिमेंट क्या है नेचर में सारे नहीं इनमें से कुछ दो या तीन फॉर्म में दिखाई देते जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है जे देखो कार्बन सिक्स ट्वेल्व एक का ट्वेल्व था कार्बन सिक्स थर्टीन दूसरे का थर्टीन है कार्बन सिक्स फोरटीन तीसरे का फोर्टीन है हाइड्रोजन वन वन हाइड्रोजन वन टू हाइड्रोजन वन थ्री पहले का वन है दूसरे का टू है तीसरे का थ्री है तो हर एक का क्या हो रहा था जो एटॉमिक मास है वो डिफर हो रहा था सेम नहीं आ रहा था दो आइसोटोप या दो से ज़्यादा आइसोटोप प्रेजेंट है और इन आइसोटोप का डिफरेंट एटॉमिक मास था तो एटॉमिक मास क्या होता है यहाँ पे डिफरेंट होने की वजह से इनको पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन हम दे सकते थे क्या नहीं दे सकते थे तो इन तीनों की तो पोजीशन यही क्या करेगा फिक्स करेगा बट पीरियोडिक टेबल में इन तीनों में से किसका मास लिखेंगे इसका लिखेंगे इसका लिखेंगे या फिर इसका लिखेंगे तो इसीलिए क्या हुआ ये एवरेज एटॉमिक मास की टर्म क्या हुई इंट्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास होता है ऐसे इलेमेंट का उसका एवरेज निकाला गया और एवरेज ही लिखा गया कहाँ पे पीरियडिक टेबल में तो यहाँ पे एवरेज निकाला जो जाता है वो होता है इन रिलेटिव परसेंट एबेडेंस एबंस मतलब ऑकरेंस इन एटमोस्फियर कितना परसेंटेज उसका एटमोस्फियर में क्या है प्रेजेंट है उसके हिसाब से उसका क्या निकाला जाता है एवरेज एटॉमिक मास इसीलिए ये जो एवरेज एटोमिक मास है इस टर्म को एक्सप्रेस किया गया और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि एटमोस्फियर में कुछ एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा आइसोटॉप प्रेजेंट होते हैं तो देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है वैसे हमें जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने तब तो हमें डिटेल में देखना ही है तो एवरेज एटॉमिक मास अगर किसी एलिमेंट का निकालना है तो उसमें जितने क्या होते हैं आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं हर एक का हम ये कर लेते हैं सपोज यहाँ पे दो आइसोटोप्स थे ऐसे समझ लो कि एक एलिमेंट है जिसके टू आइसोटोप है तो पहले क्या आएगा यहाँ पे उसका एटोमिक मास इन टू परसेंटेज एब एटमोसफियर में कितने परसेंट में वो प्रेजेंट है प्लस दूसरे का एटोमिक मास उसका परसेंटेज अगर तीसरा भी है तो प्लस तीसरे का एटॉमिक मास उसका परसेंटेज इन सब के एडिशन करोगे और उसे क्या करना है हंड्रेड से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलता है एवरेज एटॉमिक मास तो इस फॉर्मूला पे बेस हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो ये चलो अभी हम क्या करेंगे जो एटोमिक मास की कंसेप्ट हमने देखी उस कंसेप्ट के न्यूमेरिकल देखते चलो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल दो मार्क के लिए आता है एग्जाम में मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम तो क्या दिया है हमें ऑक्सीजन का मास दिया है सो so, ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड किया है ग्राम में कितना है यहाँ पे वो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स एट नाइन सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर इतना दिया है वॉट इज ऐटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू ये ग्राम में दिया है हमें क्या करना है इसे यू में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है वन यू की वैल्यू कितनी होती है स्मॉल यू है कैपिटल ने वन यू की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन डेस्ट टू माइनस ट्वेंटी फोर इतनी होती राइट right? अभी हमें क्या करना है इसे अगर वन यू की वैल्यू इतनी है तो हमें इसे यू में तो हम इसे थोड़ा उल्टा लिखते हैं कि वन पॉइंट सिक्सटी सिक्स जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी फोर अगर है टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम वन यू बनाता है तो ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स एट नाइन सिक्स इंटू टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम कितने यू बनाएगा ऐसा क्वेश्चन है तो कितने बनाएगा यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दिस तो क्या होगा वन इंटू ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स एट नाइन सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फ़ोर डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स सिक्स ज़ीरो फाइव सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर टेन टू माइनस ट्वेंटी फोर टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर कट जाएगा इससे अगर इसे डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा सिक्सटीन पॉइंट ज़ीरो यू तो क्या होगा यहाँ पे जो एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का वो क्या होगा एटॉमिक मास 16 यू इतना होगा तो हमने ग्राम से क्या कर लिया यहाँ पे इसमें यू में क्या कर लिया इसे कन्वर्ट कर लिया तो ऐसे आप क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे जब आंसर आता है तो लास्ट में एक स्टेटमेंट ऐड कर दोगी क्या होगा स्टेटमेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू इज सिक्स जीरो वॉट इज मास यूनिट ऑफ हाइड्रोजन इन यू मतलब अभी भी ग्राम में दिया है यू में क्या करना है कन्वर्ट करना है तो हमें क्या दिया है मास ऑफ हाइड्रोजन दिया है कितना है वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम यहाँ पे आपको लॉक टेबल यूज़ करना पड़ेगा हमें क्या चाहिए मास चाहिए मास चाहिए हाइड्रोजन का कहाँ किस में यू में चाहिए तो हमें पता है वन यू की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स सिक्स जीरो फाइव सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है वन यू होता है तो हमारे पास कितना है वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर हाइड्रोजन है ग्राम तो ये कितना होगा ऐसा क्वेश्चन है तो कितना होगा यहाँ पे वन इंटू इसे मल्टीप्लाई करोगे वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर डिवाइड बाय क्या होगा दिस वन 1.66056 पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कट जाएगा यहाँ पे आएगा 1.008 पॉइंट यू तो जो होगा एटॉमिक मास जो होगा हाइड्रोजन का कितना होगा यू के वैल्यू में ये होगा 1.008. तो लास्ट में स्टेटमेंट ऐड क्या कर दोगे द मास एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इन यू इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो जीरो एट यू सीधा थर्ड वन ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है देखो द मास ऑफ एन ऐटम ऑफ हाइड्रोजन इज तो हाइड्रोजन के एक ऐटम का मतलब हमें क्या दिया है यहाँ पे मास ऑफ वन ऐटम ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोवाइड किया है 1.008 u इतना है और हमें क्या पूछा 18 एटम अगर एक चॉकलेट की प्राइस एक रुपीस है तो 18 चॉकलेट की प्राइस क्या हो जाएगी 18 वैसे ही यहाँ पे तो हमें क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा ये होगा 1.008 into एटीन डिवाइड 1. ये वन 1 डिवाइड करो या माँ करो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा एटीन पॉइंट तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते द मासन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज एटीन पॉइंट वन फोर फोर यू सी द नेक्स्ट वन द मास ऑफ़ एन एटम ऑफ वन कार्बन इज ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन वन तो हमें क्या दिया है यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना दिया है वो ट्वेल्व पॉइंट ज़ीरो वन वन यू इतना दिया है. हमें क्या पूछा है ट्वेंटी एटम का सेम है ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ ट्वेंटी एटम्स ऑफ कार्बन सो ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन वन इंटू ट्वेंटी तो यहाँ पे आंसर आएगा टू फोर जीरो पॉइंट टू टू जीरो यू तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखें स्टेटमेंट लिखेंगे द मास ऑफ ट्वेंटी एटम्स ऑफ सेम कार्बन आइसोटोप इज टू फोर ज़ीरो पॉइंट टू टू जीरो यू तो ये क्या था ये था एटॉमिक मास के क्वेश्चन अभी थोड़े एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चन देखते हैं तो चलो न्यूमेरिकली हमारे पास कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ न्यू यूजिंग फॉलोइंग डेटा तो डेटा ऐसा दिया है टेबल में आइसोटोप तीन है यहाँ पे उनका एटॉमिक मास लिखा है एटॉमिक मास यहाँ पे दिया है आपको अभी ये नहीं यूज़ करना है एटॉमिक मास अभी कौन सा यूज करोगे यहाँ पे जो दिया है एटॉमिक मास उसे यूज़ करोगे ये उन्होंने क्या किया है राउंड फिगर करके दिखाया लेकिन एक्चुअल में ये होता है तो ये यूज मत करना कैलकुलेशन करते वक्त इससे भूल जाना है इसे यूज़ करना है और उनका एबेंडेंस परसेंटेज क्या होगा एटमोसफियर में इसका होता है नाइन्टी पॉइंट नाइन्टी टू परसेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में दिखेगा जीरो पॉइंट ट्वेंटी एंड एट इन सब सबकी एडिशन कितनी होनी चाहिए हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए हंड्रेड से ज़्यादा नहीं हो हमें कभी हंड्रेड से ज़्यादा परसेंट में मार्क्स नहीं मिले तो यहाँ पे भी परसेंटेज हंड्रेड से ज़्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमम क्या होगा हंड्रेड परसेंट तो चलो हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज एटोमिक मास का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है समझ लो पहले फॉर्मूले को उसके बाद क्या करेंगे सारे वैल्यू हम पुट करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा देखो यहाँ पे दिखेगा ना यस yes, यहाँ पे दिखेगा तो फॉर्मूला देखो क्या होगा फॉर्मूला होगा एटॉमिक मास हम किसका लेंगे यहाँ पे न्यून ट्वेंटी का लेकिन ट्वेंटी नहीं यूज़ करेंगे हम कौन सा यूज़ करेंगे दिस वन इनटू उसका परसेंटेज प्लस सेकंड का एटॉमिक मास ऑफ न्यून 21 ट्वेंटी वन का इनटू उसका परसेंटेज और तीसरा क्या होगा एटॉमिक मास हम किसका लेंगे न्यून किसका न्यून 22 ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू और उसका परसेंटेज थोड़ा सा समझ लो यहां हाँ जगह कम है इसलिए इनटू उसका परसेंटेज या फिर मैं नीचे लिख दूँ प्लस एटॉमिक मास न्यून ट्वेंटी टू इंटू उसका परसेंट अबेयरनेस डिवाइड बाय हमें क्या करना है हंड्रेड करना है. ओके तो चलो अभी मैं आप लोगों को एक एक वैल्यू बताती हूँ वैसे आपको लिखना है तो देखो एटॉमिक मास न्यू 20 ट्वेंटी का कितना था 19.9924 पॉइंट नाइन नाइन टू फोर उसका परसेंटेज कितना है एटमोसफियर में नाइन्टी पॉइंट नाइन्टी टू ये कैलकुलेशन तो आपको करने ही पड़ेंगे प्लस एटॉमिक मास इसका कितना है सेकंड का ट्वेंटी पॉइंट नाइन नाइन फोर जीरो उसका परसेंट अबेंडेंस कितना है जीरो पॉइंट ट्वेंटी सिक्स प्लस तीसरे का न्यू ऑन ट्वेंटी टू का कितना एटॉमिक मास ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन नाइन वन फोर उसका परसेंटेज कितना है एट पॉइंट एट टू डिवाइड बाय हंड्रेड इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तो इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना मिलेगा ट्वेंटी पॉइंट समथिंग मिलेगा तो चलो सिंपलीफाई किया है मैंने एक बार देख लेते तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी वन एट वन सेवन पॉइंट सेवन ज़ीरो नाइन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी फाइव पॉइंट फोर फाइव एट फोर फोर और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी वन नाइन थ्री पॉइंट नाइन सिक्स फोर वन आप भी लोग आप, आप क्या करोगे एक बार फिर से आप लोग टैली करोगे डिवाइड बाय हंड्रेड इसकी इसकी उसकी एडिशन कितनी होगी टू ज़ीरो वन सेवन पॉइंट वन थ्री डिवाइड बाय हंड्रेड तो आपको आंसर कितना मिलेगा टू जीरो पॉइंट वन सेवन वन थ्री इज द एवरेज एटोमिक मास किसका होगा ये एवरेज एटॉमिक मास न्यू का कितना होगा यहाँ पे इट इज़ ट्वेंटी पॉइंट वन सेवन ज़ीरो सेवन भी लिखते या वन थ्री भी लिखते इतना क्या होगा आंसर तो लास्ट में हम स्टेटमेंट ऐड कर सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास ऑफ न्यू इज ट्वेंटी पॉइंट वन सेवन वन थ्री यू तो हमने क्या किया एक बार फिर से समझ लो तो फॉर्मूला डायरेक्ट जितने आपके आइसोटोप हो गए उतनी बार क्या करना है ये आपका क्या होगा रिपीट यहां पे तीन था तो यहां पे तीन बार रिपीट हुआ मल्टीप्लीकेशन किसका करना है हमें एटॉमिक मास और परसेंट का इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय हंड्रेड तो हमें क्या मिलता है एवरेज एटोमिक मास मिलता है और एक न्यूमेरिकल देखते सी द नेक्स्ट वन सेकेंड देखो न्यूमेरिकल सेम टाइप का ये एवरेज एटॉमिक मास का ही है और नेचुरल आइसोटोपिक एवर्डेंस ऑफ बोरॉन 10 टेन इज द 19.60 मतलब उन्होंने क्या दिया है बोरॉन 10 दिया है उसका कितना दिया है 19.66 क्या है एबेंडेंस है और यहाँ पे उसका क्या दिया है मास भी दिया है 10.30 दूसरा उन्होंने बोरॉन 11 दिया है उसका एबंडेंस कितना है एटी पॉइंट फोर्टी परसेंट उसका क्या है यहाँ पे सिक्सटी परसेंट एबेंडेंस है और यहाँ पे जो है उसका कितना दिया है इलेवन पॉइंट जीरो जीरो नाइन इतना क्या होगा उसका मास होगा तो आपको मास ये नहीं पकड़ना है मैं बार बार बता रही हूँ जो पॉइंट में दिया है उसे यूज करना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल तो चलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास हमारे पास है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ किसका कैलकुलेट करना है हमें बोरॉन का बोरॉन को कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है क्या फॉर्मूला होता है उसका उसका फॉर्मूला होगा अभी दो ही आइसोटोप है तो दो ही बार आएगा क्या होगा एटॉमिक मास किसका बोरॉन टेन का इनटू उसका परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास किसका बोरोन इलेवन का इंटू परसेंटेज डिवाइड बाय क्या होगा हंड्रेड तो चलो वैल्यू एटॉमिक मास बोरोन का कितना दिया है टेन पॉइंट वन थ्री राइट इंटू परसेंटेज कितना है नाइनटीन पॉइंट सिक्सटी प्लस दूसरे का कितना है इलेवन पॉइंट जीरो जीरो नाइन परसेंटेज कितना है एटी पॉइंट फोर्टी डिवाइड बाय हंड्रेड आगे की कैलकुलेशन आप कर सब तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो इसकी मल्टीप्लिकेशन करो दोनों को जोड़ दो हंड्रेड से डिवाइड करो चलो फास्ट करना है तो चलो देखो क्या आएगा देखो टेन पॉइंट थर्टीन इंटू नाइनटीन पॉइंट सिक्सटीन की मल्टीप्लिकेशन होगी वन नाइन एट पॉइंट फाइव फोर एट इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी एट एट फाइव पॉइंट वन टू थ्री सिक्स इन दोनों की एडिशन होगी वन जीरो सिक्स सेवन डिवाइड बाय हंड्रेड करोगे तो हमें मिलेगा टेन पॉइंट एट थ्री सिक्स फोर इसे भी लिखा जाता है सो so, बोर का कितना आएगा एवरेज एटॉमिक मास टेन पॉइंट एट फोर यू तो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे हम एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज टेन पॉइंट एट फोर यू सी द नेक्स्ट वन कैलकुलेट एवरेज एटोमिक मास ऑफ अर्गॉन फ्रॉम द गि डाटा तो डेटा ऐसा प्रोवाइड किया है हमें क्या करना है एवरेज एटोमिक मास फाइंड आउट करना है किसके लिए अर्गॉन के लिए तो क्या फॉर्मूला होगा हमारा हमारा फॉर्मूला होगा एटोमिक मास किसका होगा अर्गॉन पहला कौन है थर्टी सिक्स इन टू परसेंटेज उसका परसेंटेज यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इनटू एटोमिक मास ऑफ अर्गॉन थर्टी एट इंटू उसका परसेंटेज प्लस यहाँ पे प्लस या प्लस एटोमिक मास ऑफ अर्गॉन फोर्टी उसका परसेंटेज डिवाइड बाय क्या होगा हंड्रेड समझ लो इसे अच्छे से ये क्या है यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे क्या है फोर्टी फोर जीरो थोड़ा सा प्लस एटॉमिक मास आर फोर्टी ओके तो चलो सारे वैल्यू पोट करते हम और यहाँ पे यहाँ पे लिखते तो कितना है थर्टी फाइव पॉइंट नाइन सिक्स सेवन फाइव फाइव इंटू ज़ीरो पॉइंट थ्री थ्री सेवन टेबल से बहुत इजी हो जाता है क्योंकि टेबल में वैल्यू क्या है एक साथ आ जाते हैं ना दूसरा है थर्टी सेवन पॉइंट नाइन सिक्स टू सेवन टू इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो सिक्स थ्री प्लस थ्री नाइन पॉइंट नाइन सिक्स टू फोर इंटू नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स आगे जीरो ही मैंने ज़ीरो लिखी है इन्हें डिवाइड बाय हंड्रेड ओके okay. अभी आपको क्या करना है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इनकी मल्टीप्लिकेशन इनकी मल्टीप्लिकेशन फिर क्या करना है एडिशन करना है तो देखो अभी कैलकुलेशन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी ट्वेल्व पॉइंट वन टू वन जीरो सिक्स फोर आप लोग भी टैली करोगे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी टू पॉइंट थ्री नाइन वन सिक्स फोर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी थ्री पॉइंट नाइन एट जीरो पॉइंट टू फाइव फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड इन तीनों की एडिशन इतनी होगी उसे 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 39.947 तो यहाँ पे जो एवरेज एटॉमिक जो होता है आ, मास आर्गन का वो कितना लिखा जाता है वो लिखा जाता है 39. नाइन पॉइंट वो होता है 947 फोर सेवन यू तो इतना क्या होगा इसका एवरेज एटॉमिक मास तो जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने सारे ले लिए एक मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी वो आप खुद से करोगे चार न्यूमेरिकल सफिशियंट है एग्जाम में आता है ये न्यूमेरिकल थ्री या फोर मार्क्स के लिए तो अच्छे से करना है तो क्या करना है एटॉमिक मास और परसेंट एबर्डेंस की क्या करनी जितने भी आइसोटोप है उनकी मल्टीप्लिकेशन और तीनों को साथ में जोड़ना है हंड्रेड से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास तो चलो आपका होमवर्क ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज एटोमिक मास ऑफ क्लोरिन यूजिंग फॉलोइंग डेटा क्लोरीन के दो ही आइसोटोप होते क्लोरीन 35 फाइव क्लोरीन 37 तो यहाँ पे आपको क्या करना है इसे यूज करना है तो जो नेचुरल यहाँ पे सॉरी मैंने उल्टा लिखा यहाँ पे जो परसेंट एबर्डेंस है वो यहाँ पे और जो एटॉमिक मास है वो यहाँ पे तो देखो ऐसा है तो इतने परसेंट में ये एटमोसफियर में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय हंड्रेड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा मैं यहाँ पे आंसर भी लिख रही हूँ आपको टैली करने के लिए आपका आंसर होगा थर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव टू एट यू इतना होगा तो देखो आप लोग कैलकुलेट करो ये आपका होमवर्क है तो आज के लिए इतना ही था नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मोलर मास या मोलिकुलर मास को डिटेल में देखेंगे तो अच्छे से पढ़िए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स